अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। आवर कोर्स टाइटल इज़ डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, बीएस जूलॉजी थर्ड, एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर सहरी शुमर। बेटा, जैसे कि आप जानते हैं, हमने इसके अंदर जो है वो डिफरेंट फाइलम स्टार्ट किए हुए थे। आज हमने जो है वो एक न्यू फाइलम स्टार्ट करना है, दैट इज़ फाइलम एकिनोडर्मेटा। ये हमारे पास जो है वो इनवर्टिब्रेट्स का एक वेल डिवेलप फाइलम है, और अगर हम इसकी कॉमन एग्जाम्पल देखना चाहें तो एकिनोडर्म्स की कॉमन एग्जाम्पल में आ जाती है स्टार फिश। ठीक है, स्टार फिश जैसे कि आप जानते हैं एकिनोडर्म से बिलोंग करती है। ठीक है, अब हम इनकी जो है वो करेक्टर्स की तरफ जाएंगे। पहले हम इनके जनरल करेक्टर्स देखेंगे, देन वी मूव टूवर्ड्स द डिटेल करेक्टर्स ऑफ ईच क्लास। ठीक है, इनके अंदर जितनी भी क्लासेस पाई जा रही हैं उनकी हम डिटेल करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इनके जनरल करेक्टर्स, एकिनोडर्म्स आर हैविंग फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनके अंदर तीन लेयर्स पाई जा रही हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इसके अलावा इनकी स्किन जो है वो स्पाइनी है, स्पाइंस इनकी स्किन पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सरफेस जो है वो रफ होती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी बॉडी की शेप की बात करें तो शेप स्टार फिश में जैसे कि आप देखते हैं कि स्टार शेप इनकी बॉडी होती है। ठीक है, इस तरह से फाइव आर्म्स पाई जा रही हैं, स्टार शेप बॉडी है, या फिर इनकी बॉडी एलोंगेटेड भी हो सकती है। मीन्स के बॉडी की शेप जो है वो वेरी करती है, डिफरेंट होती रहती है। जैसे कि आपको एलोंगेटेड की बात करें तो सी कोकम्बर जो है उसकी शेप एलोंगेटेड होती है, इस तरह से स्टार फिश एंड ब्रिटल स्टार जो है उनकी शेप स्टार जैसी होती है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है। स्टार फिश में ये होता है कि जो आर्म्स हैं वो छोटी होती हैं साइज़ में, उसको हम स्टार फिश कहते हैं, और अगर आर्म साइज़ में बड़ी हो जाएं, लार्ज हो जाएं, तो उसको हम ब्रिटल स्टार कह रहे हैं। इसी तरह से सी अर्चिन भी जो है वो एकिनोडर्म से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो आपको राउंडेड नज़र आती है, जस्ट लाइक जो है वो बिस्किट की तरह की फ्लैट एंड सी बॉडी होती है सी अर्चिन की। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सिमेट्री की बात करें, एज़ यू ऑल नो, सिमेट्री इज़ दैट टर्म इन विच द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, इनके अंदर जो है वो बेसिकली पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है, चूँकि आपको नज़र आ रहा है पांच आर्म्स हैं, तो इनके अंदर पेंटा रेडियल सिमेट्री मीन्स के पांच जो है वो एक्सिस बनेंगे। इसी तरह लेकिन ये जो पेंटा रेडियल सिमेट्री है ये एडल्ट्स में पाई जाती है। अगर हम लार्वल स्टेजेस की बात करें तो लार्वल स्टेजेस में बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री इज़ दैट सिमेट्री इन विच ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स द एनिमल इंटू टू इक्वल हाफ्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मीन्स के सिर्फ एक जो है वो प्लेन जो कि सेंटर से गुजरेगा वही एनिमल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकेगा, और वो इक्वल हाफ्स जो हैं वो एक दूसरे के आप कह सकते हैं मिरर इमेजेस होंगे। ठीक है, इसके अलावा इनकी बॉडी जो है इनके अंदर सेंट्रल डिस्क पाई जाती है और आर्म्स मुश्तमिल होती हैं इसके अंदर। इसके अलावा बॉडी डिवाइडेड इनटू ओरल एंड सबोरल, ओरल एंड एबोरल सर्फेसिस। मीन्स के वो साइड जहाँ पर माउथ मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड ओरल सरफेस, एंड द ओपोजिट साइड इज़ कॉल्ड एबोरल सरफेस। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट कलर ड्यू टू द एपिडर्मल लेयर। इनकी एपिडर्मस के ऊपर जो है वो डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनके अंदर कलर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, जैसे ब्राउन कलर के हैं, ब्राउनिश हैं, येलो कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं, तो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो इनकी बॉडी की एपिडर्मस के अंदर जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं उसकी वजह से हमें इनकी बॉडी का कलरफुल नज़र आती है। इसके अलावा यू सिलोमेट्स हैं, यू सिलोमेट मीन के अंदर इनके अंदर जो है वो ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। यू कहते हैं ट्रू को, और सिलोमेट्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होती है। ट्रू बॉडी कैविटी इज़ दैट कैविटी इन विच बॉडी कैविटी इज़ कम्प्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। ये टर्म जो है वो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, जब हमने जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स का टॉपिक हम स्टार्ट ही करेंगे तभी हमने जो है वो इसकी डिटेल डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, यू सिलोमेट्स हैं, यू सिलोमेट मीन्स के ट्रू बॉडी कैविटी इनके अंदर पाई जाती है। ट्रू बॉडी कैविटी इज़ दैट कैविटी विच इज़ कम्प्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म एंड दिस इज़ एंटीरोसील। ठीक है, एंटीरोसील कहते हैं कि इनकी जो बॉडी कैविटी है वो किस तरह से बनती है। आपको पता है दो तरह की हमारे पास सिलोम्स की ओरिजिन होता है, एक होता है एंटीरोसिलस सिलोम और एक होता है हमारे पास शाइजोसिलस सिलोम। एंटीरोसिलस सिलोम की बात करें तो हम कहते हैं इट इज़ फॉर्म बाय आउट पॉकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक गट की जो आउट पॉकेटिंग होती है, अगर आप लोगों ने स्टार्ट में इसकी जो टर्म्स जो हैं वो अगर आपको याद हों तो आपने वहाँ पर इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर ये हमारे पास ब्लास्टूला है। ठीक है, ब्लास्टूला आपको पता है एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है एक, तो अगर इसकी ये जो मीजोडर्म है सेंटर वाली, इस तरह से इसकी आउट पॉकेटिंग बनती है इधर से भी और इधर से भी। अब ये जो आउट पॉकेटिंग है इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारी सिलोम है। ठीक है, तो ये आउट पॉकेटिंग ऑफ मीजोडर्म की वजह से बन रही है, या एम्ब्रियोनिक गट जो है वो हमारे पास आउट पॉकेटिंग की वजह से बन रही है। इसकी सिलोम को हम बोलते हैं एंटीरोसिलस सिलोम। ठीक है बेटा, तो ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास एंटीरोसिलस सिलोम है।
नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसकी जो है वो करेक्टर्स की तरफ मूव करें तो सबसे पहला हमारे पास इसकी ओरल सरफेस आ जाती है। ओरल सरफेस फ्रॉम ओरल सरफेस ऑफ द एनिमल यूजुअली अराइजेस 5 आर्म्स, ठीक है। 5 आर्म्स जो हमारे पास स्टारफिश के अंदर हमें नज़र आती हैं वो बेसिकली इसकी ओरल सरफेस से निकलती हैं। इन ईच टू एरिया देर इज़ प्रेजेंट अ ग्रूव कॉल्ड एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव, ठीक है। जैसे कि ये इसकी आर्म है तो इसके अंदर एक सेंटर में एक एरिया पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव, ठीक है। एम्ब्रियोलेक्रल रीजन के अंदर ये जो है वो एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव पाई जाती है और ये जो है वो बेसिकली इनको नरिशमेंट में, न्यूट्रिशन में या फिर इनको मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है। ईच आर्म इज़ हैविंग एम्ब्यूलेक्रल एरिया एंड एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव, मीन्स के 5 आर्म्स हैं तो 5ों में ये एम्ब्यूलेक्रल एरिया और एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव मौजूद होती है। रेडियल नर्व इज़ प्रेजेंट इन साइड द एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव। रेडियल नर्व जो है वो बेसिकली आपको पता है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो इनको कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी वो बेसिकली रेडियल नर्व इसके नीचे पाई जाती है, इन साइड पाई जाती है एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव के इन साइड। बिलो द रेडियल नर्व सिलोम इज़ प्रेजेंट। सिलोम मीन्स के बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है बिलो विच द रेडियल कैनाल्स ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम आर प्रेजेंट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर जो है वो वेल डिवेलप सिस्टम है जो कि इन्हें लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है डिफरेंट एकाइनोडर्म्स को। बेसिकली स्टार फिश के अंदर जो है वो ये वेल डिवेलप होता है जो उसको मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसको भी हमने आगे डिटेल में देखना है वाटर वेस्कुलर सिस्टम को। तो बेसिकली जो रेडियल कैनाल्स हैं वो इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा हैं और ये रेडियल कैनाल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, रेडियल नर्व्स जो है वो उसके नीचे सिलोम है और उसके अंदर जो है वो रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट है। इन केस ऑफ स्टार फिश द एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव इज़ ओपन, ठीक है। कि अगर हम स्टार फिश की बात करें तो इनके अंदर जो एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव है वो ओपन होती है। ओपन एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव से क्या मुराद है, मीन्स के इनके अंदर जो एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स है दैट आर कवर्ड बाय मीन्स ऑफ एपिडर्मल लेयर, ठीक है। कि इनके अंदर जो हमारे पास एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव है उसके ऊपर एपिडर्मल लेयर तो मौजूद होती है लेकिन उसके ऊपर कोई एंडोस्केलेटन की कवरिंग मौजूद नहीं होती, इसीलिए हम उसे बोलते हैं ओपन एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव। और ओब्वियसली ओपोजिट वो होगी जिसके ऊपर जो है वो एपिडर्मल लेयर की कवरिंग भी हो और साथ साथ एंडोस्केलेटन की कवरिंग भी हो, उसको हम बोलेंगे कि वो हमारे पास क्लोज्ड एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव है। क्लास एस्टेरॉइडिया एंड क्रिनोइडिया, ये हमारे पास बेसिकली एकाइनोडर्म्स की क्लासेज हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे पास और भी क्लासेज हैं लेकिन यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं उसके लिहाज से 6 वैसे हमारे पास क्लासेज होती हैं इसकी। क्लास एस्टेरॉइडिया एंड क्रिनोइडिया आर हैविंग ओपन एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव बट अदर क्लासेज, मीन्स कि बाकी जो 4 बचती हैं उनके अंदर क्लोज्ड एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी ओरल सरफेस की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हो गए। उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम से हम थोड़ा सा इसकी डिटेल देखते हैं। ये आपको स्टारफिश की जो है वो डायग्राम नज़र आ रही है, इसकी एबोरल सरफेस है और ये इसकी ओरल सरफेस है। ओरल सरफेस जहाँ से आपको इसका माउथ निकलता नज़र आ रहा है, ठीक है, ये माउथ। और ये जो उसकी अबव आपको जो उसकी डॉर्सल सरफेस नज़र आती है इसको हम एबोरल सरफेस भी कहते हैं। यहाँ पर इसका एनस मौजूद है, सेंट्रल डिस्क ये आपको नज़र आ रही है। मेड्रिपोराइट, मेड्रिपोराइट जो है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर डिस्कस करना है। मेड्रिपोराइट वो स्ट्रक्चर है जो वाटर इनलेट का काम करता है, मतलब बॉडी में वाटर एंटर होगा तो इस मेड्रिपोराइट के ज़रिए से एंटर होगा, जिसकी डिटेल आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये इसकी आर्म्स हैं जो आपको 5 आर्म्स नज़र आ रही हैं। अगर हम इसकी ओरल सरफेस में देखें तो इस यहाँ पर हमें थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर नज़र आता है। ओरल सरफेस में सेंटर में आपको माउथ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आर्म्स हैं, आर्म्स के ऊपर आपको स्पाइंस नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हमने करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले डिस्कस किया था कि इनकी सरफेस जो है वो स्पाइनी होती है, तो जैसे देखिए आपको स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इनकी जो सरफेस है वो स्पाइनी है। इसके अलावा इसके अंदर ट्यूब फीट मौजूद होते हैं, रेडियल कैनाल से जो है वो ट्यूब फीट निकलते हैं जो कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी कैसी फंक्शनिंग है इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इनके अंदर एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स आपको नज़र आ रही हैं। ये जो ग्रूव बनी आपको जो है वो आप कह सकते हैं कि एक जो है वो एरिया नज़र आ रहा है, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक इन्वेजिनेशन है दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव। और लास्ट में आपको जो है वो एंडिंग्स के ऊपर सेंसरी टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं जो इनको डिफरेंट तरह की सेंसेशन में हेल्प करते हैं, सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो एबोरल सरफेस की तरफ मूव करते हैं। अभी हमने डायग्राम से एबोरल सरफेस को समझ तो लिया है, इसी तरह से हम इसकी डिटेल देखते हैं एबोरल सरफेस की। एबोरल सरफेस इज़ हैविंग स्पाइन, ठीक है। इसके ऊपर स्पाइंस भी होते हैं। अराउंड द बेस ऑफ स्पाइन अ स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड पेडिसिलरी, ठीक है। पेडी जहाँ इनके स्पाइंस आपको नज़र आते हैं वहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं पेडिसिलरी। ये जस्ट लाइक अ जो है वो फोर्सेप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, फोर्सेप्स जैसा स्ट्रक्चर, जैसे पिंसर हमारे पास पिंचर जैसा होता है बिल्कुल उस तरह से, इस तरह का
तरह का इसका एक स्ट्रक्चर होता है फोरसेप जैसा, ठीक है। और ये काम क्या करता है, बेसिकली बॉडी को क्लीन और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्लीनिंग करता है डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने में और बॉडी की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इसी तरह से पेडिसिलरी जो है वो बेसिकली मूवेबल स्पाइंस के साथ अटैच होते हैं या फिर ये स्केलेटल ओसिकल्स के साथ जो है वो फ्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। स्केलेटल की जो हमारे पास छोटी छोटी बोन्स हैं, ओसिकल्स हैं, उसके साथ फ्यूज़ भी हैं या फिर ये मूवेबल स्पाइंस के साथ अटैच भी होते हैं। इट आल्सो हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड, ठीक है। फूड को ऑब्वियसली इनका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक फोरसेप है, तो ये डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स को कैप्चर करने में जो है वो हेल्प भी करता है। इसके अलावा दे आल्सो गिव प्रोटेक्शन टू द डर्मल ब्रैंकाई, ठीक है। जो गिल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो इनकी स्किन पर सर्फेस पर मौजूद होते हैं, दैट आर कॉल्ड डर्मल ब्रैंकाई, विच आर आल्सो कॉल्ड स्किन गिल्स और पेप्यूलाई, ठीक है। स्किन गिल्स ऑब्वियसली डर्मल्स नाम से जाहिर हो रहा है, डर्मिस के ऊपर, स्किन के ऊपर जो इनके गिल्स पाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड डर्मल ब्रैंकाई, विच आर आल्सो कॉल्ड स्किन गिल्स और पेप्यूलाई। एनस मैड्रीपोराइट आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द एबोरल सर्फेस। मैड्रीपोराइट मैंने आपको बताया कि ये इनका जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक इनलेट है जिसके ज़रिए से वाटर ने इनकी बॉडी के अंदर एंटर होना है, ठीक है। और एनस आपको पता है वेस्ट मटीरियल रिमूव करने के लिए जो है वो इनके अंदर एनस भी मौजूद होता है। तो ये इनकी थी एबोरल सर्फेस। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द एंडोस्केलेटन, ठीक है। इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन मौजूद है इट इज़ मेड अप ऑफ ईदर कैलकेरियस ओसिकल्स और प्लेट्स, ठीक है। अच्छा, हम इसे एंडोस्केलेटन इसलिए कह रहे हैं, हालांकि सरफेस पर हमें ये नज़र आता है, लेकिन एंडोस्केलेटन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली जो एंडोस्केलेटन है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। मीजोडर्म से आपको पता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो इनके अंदर तीन लेयर्स पाई जा रही हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इनकी जो मीजोडर्म है उससे ये जो है वो एंडोस्केलेटन ओरिजिनेट होता है, जिसकी बेस पर हम इसे कहते हैं कि ये एंडोस्केलेटन है, मतलब इनसाइड द बॉडी जो है वो ये अराइज होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो है वो हम बात करते हैं कि इनके अंदर किस तरह का स्केलेटन है। ये कैलकेरियस ओसिकल्स और प्लेट्स हैं। द ओसिकल्स आर हैविंग मेश वर्क ऑफ स्पेसिस विच आर फिल्ड बाय फाइबर्स और डर्मल सेल्स, ठीक है। डर्मल सेल्स या फाइबर्स के ज़रिए से ये जो है वो फिल हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो इनके अंदर स्केलेटन पाई जाती हैं, मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। एपिडर्मल लेयर इनके अंदर रिमूव हो जाती है और बेसिकली इनकी जो स्केलेटन है वो डायरेक्टली सम बॉडी के रीजन में हमें एक्सपोज्ड नज़र आता है, ठीक है। द स्केलेटन में भी मॉडिफाइड into fixed or articulated spine, मतलब जो spines हैं वो fixed भी हो सकते हैं या फिर movable भी होते हैं, और spines इनकी body की surface से originate होते हैं, project होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था इनका endoskeleton जो है वो हमने देखा। उसके बाद हम इसके water vascular system की तरफ move कर रहे हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ दैट सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट इन द एकिनोडर्म्स एंड वाटर फील्ड कैनाल्स, ठीक है। इसके अंदर वाटर फील्ड कैनाल्स होती हैं जो बेसिकली इसको जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। मेन इसका जो पर्पज़ है वो लोकोमोशन का है। और ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये बेसिकली एम्ब्रियो में ही ओरिजिनेट हो जाता है और सिलोम की मॉडिफिकेशन होती है। जैसे कि आपको पता है ये यू सिलोमेट्स हैं, इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, तो उनकी जो बॉडी कैविटी है उसी की मॉडिफिकेशन से एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास ये इसका पार्ट है दैट इज़ रिंग कैनाल, ठीक है। रिंग कैनाल जो सेंटर में आपको नज़र आती है स्टार फिश के, दैट इज़ कॉल्ड रिंग कैनाल। इट सराउंड्स द माउथ, जैसे हमने ऊपर डायग्राम में भी देखा कि रिंग कैनाल के सेंटर में जो है वो माउथ प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो रिंग कैनाल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टोन कैनाल। रिंग कैनाल ओपन आउटसाइड थ्रू द स्टोन कैनाल। डायग्राम से हम समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले हम जो है वो इसकी डिटेल देख लेते हैं, फिर हम इसके डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। रिंग कैनाल ओपन आउटसाइड थ्रू द स्टोन कैनाल मीन्स कि ये जो रिंग कैनाल है ये बाहर की तरफ ओपन हो रही होती है एक कैनाल के ज़रिए, दैट इज़ कॉल्ड स्टोन कैनाल, ठीक है। और इस स्टोन कैनाल के ऊपर जो है वो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि फ़िल्टर करने का भी काम करता है। इस स्ट्रक्चर को हम जो है वो मैड्रीपोराइट बोलते हैं। अ सीव लाइक प्लेट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द स्टोन कैनाल, इट इज़ यूज्ड एज एन इनलेट, ठीक है। इनलेट मींस कि वाटर को एंटर करने में, इनसाइड द बॉडी एंटर करने में हेल्प करता है, और बेसिकली वाटर को फिल्टर भी करता है क्योंकि ये सीव्स का सीव लाइक स्ट्रक्चर है, तो लार्जर सब्सटेंसेस और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता, और जो यूजफुल मटेरियल है वाटर है वही बॉडी के अंदर एंटर होगा, ठीक है। वाटर इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैड्रीपोराइट जो है वो इनलेट का काम करता है। इट रिप्लेसिस
वाटर लॉस फ्रॉम द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम के ज़रिए से जो वाटर बॉडी से लॉस हो रहा है ये उसको जो है वो कंपनसेट कर रहा होता है। मीन्स के एक तरफ से वाटर बॉडी से बाहर रिलीज़ हो रहा है तो मेट्रिपोराइट के ज़रिए से वाटर बॉडी के अंदर एंटर भी हो रहा होता है। देयरफॉर दीज इक्वलाइजेस प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड द आउटसाइड, जिसकी वजह से मीन्स के ये हमारा जो मेट्रिपोराइट है ये प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करता है, मतलब प्रेशर को इक्वलाइज करता है इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है, दैट इज टाइडमेन बॉडीज। ये छोटी छोटी स्वेलिंग्स होती हैं, स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद रिंग कैनाल, ठीक है। रिंग कैनाल्स के साथ साथ इस तरह से स्वेलिंग जैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम टाइडमेन बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली दीज आर द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिलोमोसाइट्स, ठीक है। सिलोमोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है। सिलोमोसाइट्स जो है वो हमारे पास फैगोसिटिक सेल है, जो कोई भी जो है वो फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसको इंगल्फ करने का काम करते हैं सिलोमोसाइट्स। तो बेसिकली सिलोमोसाइट्स बनाता कौन है, ये टाइडमेन बॉडीज़ जो है वो प्रोडक्शन का काम करती हैं सिलोमोसाइट्स के, ताकि जो भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर हो तो ये जो सिलोमोसाइट्स हैं डायरेक्टली उसको इंगल्फ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ पोलियन वेसिकल्स। पोलियन वेसिकल्स जो हैं वो हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिंग कैनाल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। पोलियन वेसिकल्स जो हमारे पास रिंग कैनाल के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, रिंग कैनाल के साथ। और इसके अंदर बेसिकली एक फंक्शन क्या है इनका, देयर फंक्शन इज़ टू स्टोरेज ऑफ फ्लूइड फॉर द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मींस के जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो भी एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो फ्लूइड की सूरत में स्टोर हो जाता है इन पोलियन वेसिकल्स के अंदर। नेक्स्ट इज़ रेडियल कैनाल, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडियल कैनाल हमारे वाटर वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। 5 रेडियल कैनाल जो हैं वो हमारे पास रेडियल रिंग कैनाल से अराइज होती हैं, 5 या फिर मल्टीपल ऑफ 5 भी हो सकती है, मतलब जितनी आर्म्स हैं उसके मुताबिक जो हैं वो हमारे पास रेडियल कैनाल भी मौजूद होती हैं। रेडियल कैनाल जो है वो बेसिकली स्टार शेप्ड एकिनोडर्म्स के अंदर बेसिकली प्रेजेंट है। इन अदर एकिनोडर्म दे आर एसोसिएटेड विद द बॉडी वॉल, ठीक है। अगर ऐसे हमारे पास एकिनोडर्म्स हैं जिनके अंदर आर्म्स मौजूद नहीं हैं तो उनके अंदर जो रेडियल कैनाल है वो उनकी बॉडी वॉल के अंदर ही पाई जाती है। दे फॉर्म एन आर्क टूअर्ड द एबोरल सर्फेस, ठीक है, कि एबोरल सर्फेस की तरफ ये जो है वो निकली होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, दैट इज़ लेटरल कैनाल। मैनी लेटरल कैनाल अराइजेस फ्रॉम द रेडियल कैनाल, ठीक है। अगर ये रेडियल कैनाल है सपोज जो आर्म्स के अंदर जा रही है तो इससे जो है वो एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम बोलते हैं लेटरल कैनाल, ठीक है। और ये लेटरल कैनाल इस तरह से एक स्ट्रक्चर में एंड होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूब फीट, ठीक है। इसको हम जो है वो डायग्राम से नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश, ठीक है। ये आपको सेंटर में जो नज़र आ रही है दैट इज़ रिंग कैनाल। रिंग कैनाल जो है वो ओपन हो रही है बाहर की तरफ स्टोन कैनाल के ज़रिए से, ये रही स्टोन कैनाल, और स्टोन कैनाल एंड हो रही है मेड्रिपोराइट के अंदर। मेड्रिपोराइट जो है वो एक सीव लाइक ओपनिंग आपको नज़र आ रही है जो कि इनलेट का काम करती है, वाटर के प्रेशर को स्टेबलाइज़ करती है इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो है वो मेन कैनाल्स नज़र आ रही हैं 5 दैट आर कॉल्ड रेडियल कैनाल्स, जो कि हर आर्म के अंदर एक्सटेंड हुई होती हैं। और अगर ऐसे एकिनोडर्म जिनके अंदर आर्म्स प्रेजेंट नहीं हैं उनके अंदर ये जो रेडियल कैनाल हैं वो बॉडी वॉल के साथ ही एसोसिएट हो जाती है, ठीक है। रेडियल कैनाल जो हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं ट्यूब, रेडियल कैनाल बाहर की तरफ निकल रही हैं लेटरल कैनाल के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पर लेबल नहीं किया हुआ, ये जो आपको नज़र आ रही है मैंने इसको जो है वो रेडियल कैनाल से जो ब्रांच बाहर निकल रही है दैट इज़ कॉल्ड लेटरल कैनाल, ठीक है। लेटरल कैनाल एंड हो रही है किसके अंदर, ट्यूब फीट के अंदर, ठीक है। ट्यूब फीट जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है और ऊपर वाली जो स्वेलिंग स्वेल्ड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एम्प्यूला, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसकी हम जो है वो फंक्शनिंग ट्यूब फीट के ज़रिए से समझते हैं कि किस तरह से ये हेल्प आउट करता है हमें लोकोमोशन में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ट्यूब फीट हम देखते हैं। ट्यूब फीट आर एक्सटेंशन ऑफ कैनाल सिस्टम, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये कैनाल सिस्टम की ही एक्सटेंशन है। दे अमर्ज थ्रू ओपनिंग इन द कैनाल सिस्टम, ठीक है, ओपनिंग के ज़रिए से ये अमर्ज होती हैं। द ट्यूब फीट एंड इन अ बल्ब लाइक मस्कुलर एम्प्यूला, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी है कि यहाँ पर हमारे पास ये रेडियल कैनाल है तो यहाँ से लेटरल कैनाल अराइज होती हैं, लेटरल कैनाल से एम्प्यूला निकलता है और एम्प्यूला एंड होता है किसके अंदर, ट्यूब फीट के अंदर। द वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्यूब फीट इनटू द लेटरल कैनाल, मींस के यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जो ट्यूब फीट से वापस जो है वो बैक फ्लो नहीं होने देता वाटर को लेटरल कैनाल्स के अंदर। द ट्यूब फीट हैज़ अ सक्शन कप एट अ डिस्टल एंड, ठीक है, ट्यूब फीट के अंदर जस्ट लाइक इस तरह से सक्शन कप मौजूद होता है जो इसको सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। जैसे आपको पता है कि कोई भी एयर सक करके जो है वो वहाँ पर अटैचमेंट में हेल्प हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर जो है वो सक्शन कप, सक्शन का एक अपरेटस है
ठीक है, द मसल्स ऑफ द सक्शन कप कंट्रैक्ट्स एंड क्रिएट अ वैक्यूम। जैसे ही वो कंट्रैक्ट करेंगे तो वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मीन्स के एयर वहाँ से बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से ट्यूब फीट एक्सटेंड करेंगे एंड अटैच टू द सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। जो कि जैसे ही अटैच होंगे, इन सम एकिनोडर्म द ट्यूब फीट्स हैव अ पॉइंटेड और ब्लंट डिस्टल एंड, ठीक है। जैसे ही एक्सटेंड होंगे, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये एक बार अटैच होंगे, नेक्स्ट दोबारा से ये जो है वो डिटैच होंगे, फिर अटैच होंगे, फिर डिटैच होंगे, तो इस तरह से ये इसकी लोकोमोशन में इसको हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ और एकिनोडर्म्स में इनके अंदर क्या होता है कि ट्यूब फीट्स के अंदर पॉइंटेड या ब्लंट डिस्टल एंड होते हैं, मींस के उनके अंदर जो है वो प्रॉपर सक्शन कप मौजूद नहीं होता, दीज एकिनोडर्म एक्सटेंड देयर ट्यूब फीट इनटू अ सॉफ्ट सबस्ट्रेट, ठीक है। सॉफ्ट सबस्ट्रेट के अंदर जो है वो अपने एकिनोडर्म्स को एक्सटेंड कर देते हैं, इट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कंटेक्ट ड्यूरिंग द लोकोमोशन, इट इज़ आल्सो यूज टू सिफ्ट सेडिमेंट ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है। कि सेडिमेंट्स को छानने का जो काम होता है ना, फिल्ट्रेशन का काम होता है, डिफरेंट सेडिमेंट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट मटीरियल्स को निकाल कर फिर उसको फीड करने का काम जो है वो इसको ट्यूब फीड इसको हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये हुई कि हमारे पास वाटर जो है वो मेड्रिपोराइट के ज़रिए से एंटर होता है स्टोन, फिर वो हमारे पास स्टोन केनाल से रिंग केनाल में जाता है, रिंग केनाल से वो रेडियल केनाल के अंदर एंटर होता है, फिर रेडियल केनाल से हमारे पास जो है वो लेटरल केनाल्स अराइज होती हैं, लेटरल केनाल में जाता है, लेटरल केनाल से एम्प्यूला के अंदर, और एम्प्यूला से लास्टली जो है वो कहाँ पर एंटर होता है, ट्यूब फीट के अंदर। ट्यूब फीट के अंदर जो है वो सक्शन क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है, फिर इस तरह से पूरी जो इसकी बॉडी है स्टारफिश की वो नीचे ओरल सरफेस से जो है वो ट्यूब फीड के ज़रिए सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाती है। फिर एक दफ़ा जब अटैच होगी तो जैसे ही वाटर निकलेगा, ये दोबारा से मतलब वाटर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जो है वो दोबारा से ये डिटैच हो जाते हैं, फिर अटैच होंगे, फिर डिटैच होंगे, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लोकोमोट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन डिस्कस करें तो बेसिकली मेन इसका फंक्शन यही है कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, उसके साथ साथ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनको फीडिंग में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास जो है वो बेसिकली इसका फीडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो है वो डिफ्यूजन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस की डिफ्यूजन में, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो बॉडी से रिमूव होते हैं बॉडी वॉल के ज़रिए से, उसमें भी ये इसको हेल्प आउट कर रहा होता है। तो डिफरेंट इसके जो हैं वो फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका सिस्टम है एकिनोडर्म्स का, दैट इज़ हीमल सिस्टम, ठीक है। हीमल सिस्टम जो है वो हमारे पास कहते हैं कि ये मुख्तलिफ स्ट्रैंड्स मुख्तलिफ टिश्यूज से बना होता है, मुख्तलिफ स्ट्रैंड्स ऑफ टिश्यूज, जो कि इसके अंदर डिफरेंट जो है वो रिंग्स हो सकती हैं, ओरल रिंग है, हेमल रिंग है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इसके अंदर बेसिकली जो है वो तीन रिंग्स पाई जाती हैं हीमल सिस्टम के अंदर, एक है हमारे पास ओरल हीमल रिंग, एक है एबोरल हीमल रिंग, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो गैस्ट्रिक हीमल रिंग है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर, एक आपको ओरल हीमल रिंग नज़र आ रही है, गैस्ट्रिक हीमल रिंग नज़र आ रही है, और थर्ड हमारे पास मौजूद होती है एबोरल हीमल रिंग, मतलब जो एनस वाली साइड पर मौजूद होती है, नीचे वाली साइड पर, उसको हम बोलते हैं एबोरल हीमल रिंग। तो ये जो हीमल रिंग्स हैं हमारे पास, इनका काम क्या है, बेसिकली ये जो हमारे पास वेस्ट फ्लूइड होता है ये उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो रिंग कैनाल के गिर्द जो हैं वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, और टिश्यूज़ जो हैं वो हर आर्म के अंदर रन करते हैं रेडियल केनाल के ज़रिए से, और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब इसका काम क्या है कि पूरे बॉडी के अंदर ये सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, बट इट्स फंक्शन इज़ अननोन। लेकिन इसका जो कम्प्लीट आप कह सकते हैं मुकम्मल तरह का जो फंक्शन है वो अभी तक हमें इसका जो है वो समझ नहीं आ सका, लेकिन जो ज़्यादातर इसका जो हम अंडरस्टूड करते हैं इस बात को कि इसका जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट है, किसकी ट्रांसपोर्ट है, लार्ज मॉलिक्यूल्स की, हार्मोन्स की, सिलोमोसाइट्स की, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स, हार्मोन्स एंड सिलोमोसाइट्स, सिलोमोसाइट्स आपको मैंने पहले भी बताया कि ये ऐसे सेल्स हैं जो कि बेसिकली इंगल्फ करने में, फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो साइनस गोनेड्स मौजूद है, गोनेड्स के अंदर से ओबियसली हार्मोन्स या जो भी गैमेट्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इस एबोरल हीमल रिंग के अंदर जाते हुए हमारे पास एक्सियल ग्लैंड के अंदर, एक्सियल साइनस के अंदर आ रहे हैं, ग्लैंड है और उसकी जो कवरिंग है उसको हम एक्सियल साइनस कहते हैं, फिर वो वहाँ से हमारे पास ओरल हीमल रिंग में आ रहे हैं, ठीक है। ओरल हीमल रिंग से हीमल साइनस निकल रही है और ये आपको ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है डिफरेंट मटेरियल को कलेक्ट करके जो है वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना है। इसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, जिसे हमने एक्सियल ग्लैंड बोला, और जो एक्सियल ग्लैंड जिस जगह पर मौजूद है उसको हम एक्सियल साइनस बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसका जो है वो कंप्लीट हमारे पास जो है वो हीमल सिस्टम जो है वो सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है और इसका स्ट्रक्चर आपने इसका देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे
हमारे पास जो था वो एकिनोडर्म्स के जनरल करेक्टर्स थे जो कि हमने डिस्कस किए. नेक्स्ट जो है वो हम इसके मज़ीद जो है वो करेक्टर्स देखेंगे. यहाँ तक समझ ना आया हो, कोई बात रह गई हो तो लाजमी मुझसे पूछें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.